दुमका में बने अनुसूचित जनजातियों के लिए बने ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRI की स्थिति खस्ता हाल है। इस ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालत यह है कि इंस्टीट्यूट में महीनों से बिजली नहीं है। उपयोग में नहीं आने और रखरखाव की कमी की वजह से यहाँ रखे कंप्यूटर भी खराब हो चुके हैं। किताबों में कीड़ों ने अपना घर बना लिया है। कुल मिलाकर यहाँ का वातावरण इतना दम घोटू बन चुका है कि शोध करने वाले छात्र यहाँ क्या आएंगे। जो यहाँ के नियमित स्टाफ है वो भी किसी न किसी बहाने से यहाँ आने से कतराते हैं। इंस्टीट्यूट के बाहर तैनात चौकीदार से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अभी दो दिन से अभी गया है रांची कार्यालय में, अभी फील्ड में भी काम चल रहा है, इसीलिए आज शाखा कार्यालय में नहीं है, हम अकेले ही हैं अभी। और कोई किताब उताब लेने आता है तो हम दे देते हैं, तो अभी स्टाफ सब नहीं है दो दिन से, तो आज हम दो दिन से अकेले ही हैं। कोई आदमी भी रिसर्च वगैरह करने के लिए यहाँ पर नहीं आता है देखने, किताब वगैरह लेने के लिए? हाँ, कभी आता है कभी नहीं भी आता है, तो जैसे आता है वैसे हम लोग लेते हैं किताब। और किताब बहुत सारी ख़राब हो रही है, क्या स्थिति? हाँ, वो तो पहले से ही रखा हुआ है, तो इसे मतलब कुछ किताब कुछ ख़राब भी हुआ है। दुमका में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी TRI इस उद्देश्य से खोला गया था कि यहाँ के जो ट्राइबल्स हैं उनकी गिरती उठती स्थिति पर विचार कर उनके कल्याण से संबंधित शोध कर सरकार को भेजा जाए ताकि सरकार इनके कल्याण के लिए कुछ नीतियाँ बना सके। लेकिन जिस तरह से ये यहाँ दुर्दशाग्रस्त होकर पड़ी हुई हैं उससे तो यही शोध का विषय हो गया है कि इसका पुनर्नवीकरण कैसे होगा, इस पर कोई विचार किया जाए। पंजाब केसरी के लिए दुमका से वीरेंद्र कुमार झा।